कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। बच्चों, इस साल का ये आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर, और अभी रात के करीब 11:15 होने को हैं। कुछ देर बाद नया साल लग जाएगा 2019। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2019 आपको बहुत अच्छा गुजरेगा, और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा करेंगे, आपके कैरियर बहुत अच्छा करेंगे, इन्हीं सारी दुआओं के साथ, इन्हीं सारी प्रार्थनाओं के साथ मैं आपको बोलता हूँ, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2019। आप सबको मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कैरियर की तरफ अग्रसरित हों, अपने कैरियर में जो आपने पाना है आप उसे पाएं, और नए साल के इस मधुर बेला पर, आने वाले टाइम पे आपको वो सब कुछ मिले जो जिसके आप हकदार हैं और जिसको आप चाहते हैं। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के इस एपिसोड में आपको समांतर श्रेणी और धन पूर्णांक से संबंधित कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको धन पूर्णांक और समांतर श्रेणी से संबंधित एक एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि कैसे उन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नए साल की तरफ और एक नए सवाल की तरफ। तो बच्चों, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है समांतर श्रेणी और धन पूर्णांक। समांतर श्रेणी और धन पूर्णांक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि समांतर श्रेणी और धन पूर्णांक से संबंधित सवाल हमने भी यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो एक्चुअल में होते क्या हैं, तो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और भी समझते हैं कि इसको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखिए, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे समांतर श्रेणी है, जिसमें कि पहला क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, और दूसरे में है प्रथम n धन पूर्णांकों का। ये दो बेसिकली दो सवाल हैं, जिसमें कि पहला सवाल आपके पास है कि सिंपल से हम यूँ कह सकते हैं कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा सवाल कह सकते हैं कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक बात बहुत ही विशेष ध्यान देने योग्य बात है। पहला तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि यह जो सवाल है ये एग्जाम में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस में से एक है। मैं एक आप आने वाले वीडियो में, हो सकता है कि अगले हफ्ते संडे को या सैटरडे को, सैटरडे या संडे कभी भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, मैं आपको 10-20 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसकी मैं एक लिस्ट जारी कर दूंगा, और पहले कोशिश करूंगा कि ये वो टॉप 20 क्वेश्चन हैं और उनको मैं सवाल कर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अगर समय लग गया तो। अदरवाइज मैं अलग अलग वीडियोस बना के उनको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो मैं उसमें से एक सवाल ये भी है, प्रथम मतलब पहले टॉप 20 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है आपका, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है। दूसरी बात इसमें यह था कि यह सवाल आपको जनरली कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, ऊपर से लिख दिया हमने, लेकिन सवाल में कई बार आपको नहीं लिखा रहता है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। सीधा लिखा रहेगा, ये ऊपर लाइन हटा करके लिखा रहेगा, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कि सीधी लंबाई में गिनती गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 तक, और ये भी जो है सेम गिनती होगी 1, 2, 3, 4, 5, n तक। तो समझ लीजिए कि ये समांतर श्रेणी है। कोई अगर समांतर श्रेणी से हट के कोई श्रेणी होगी ना, तो उस सवाल में कोई ना कोई आपको कंडीशन दी होगी जिससे कि पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। पर क्योंकि आपके कोर्स में 10th क्लास में फिलहाल समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का ही सवाल होगा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का या प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये टॉप 20 या टॉप 10 या टॉप 20 जो भी पूछ, मैं तो आपको 20 सवाल बताऊंगा, तो ये टॉप 10 या टॉप 20 सवालों में से एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको समझ लो, मैं सवाल को सॉल्व करूँगा। और दूसरा,
ये भी ध्यान रखिए कि सवाल में आपको क्वेश्चन पेपर जब आपका आएगा एग्जाम में, तो सिंपल वही ये भी पूछ सकता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। वो कहीं भी नहीं लिखेगा कि समांतर श्रेणी में प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं लिख सकता। और 99% यही चांस है कि वो नहीं लिखेगा। एग्जामिनर क्या होता है, ये देखना चाहता है कि बच्चा कितना तेज है, कितनी जल्दी पकड़ता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि ऊपर से लिख लिख देगा लाइन समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सिंपल लिख देगी प्रथम 10000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए या प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप अपनी गांठ बांध लीजिए। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर पहले वाला पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, एक धन दो धन तीन, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे भाई, 1000 तक। तो आप देख सकती है सिंपल सी एक समांतर श्रेणी, एक दो तीन और कहाँ तक, 1000 तक, जिसका क्या है, जहां ए बराबर क्या है भाई, एक है, यानी कि प्रथम पद क्या है, एक है, और डी बराबर क्या है, दो में से एक क्या बराबर एक, यानी कि डी बराबर क्या, एक है, और अंतिम पद क्या है, एल बराबर क्या है, 1000। और अंतिम पद नहीं बोलोगे तो इसको सीधा आप भाई, ये क्योंकि एक प्रकार से एक प्रकार से एनवा पद भी है ना, तो हमने क्या कर, 1000 पद है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वैसे अंतिम पद का जरूरत पड़ेगी नहीं आपको यहाँ पर, आप इसको फिलहाल ऐसे रह दीजिए। अब हो सिंपल हो जाएगा, हमको फॉर्मूला पता है एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, लिख भी सकते हैं जो ये फॉर्मूला एल है, एल आपका इतना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एस 1000, जिसमें आपको बताया था सवाल में एस 1000 बराबर जाएगा एन। ठीक है, अब देखो आप एस एन, एन की जगह क्या आपका 1000 है ना, तो आपका ये हो जाएगा 1000/2। ठीक है, टू ए, अब ए की जगह आपको पता है एक है, प्लस एन की जगह आपको पता है 1000 है, माइनस एक एन टू डी, डी की जगह आपको पता है एक है, वैसे एल की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, वैसे एल यहाँ पर ए प्लस ए होता तो इतने पार्ट में एल बोलते हैं, एनी कोई बात नहीं, आप उसके वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस 1000 बराबर 1000/2, 2×1 प्लस 1000-1 इंटू डी हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 500 ही कट जाएगा 500 बार। ठीक है, ये 2×2 हो जाएगा, अभी 1000 में से एक गया 999 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये हो गया आपका। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 500 × 2 प्लस 999 × 901, मतलब 100 गुणा तो उतना आएगा, तो ये आप हो जाएगा 500 × 999 प्लस 2, 1001। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 से सीधे गुणा कर रहे हैं, 5×5 00, 5×5 और ये 00, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10000 लाख, 5,05,000। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना आया, 5,05,000, ये आपका प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है। अब हम बात करेंगे प्रथम एन धन पूर्णांकों की। ठीक है, तो चलिए ये भी करके देखते हैं। तो बच्चों प्रथम इस सवाल को सॉल्व करना है हमने प्रथम एन धन पूर्णांकों, तो आप ये देखो जैसे आपने कहा एस 1000 धन पूर्णांकों का, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, एन धन पूर्णांकों, यानी कि सिंपल सा होगा एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये होगा एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए, ए की जगह आपको पता है एक है, तो ये एक हो जाएगा, सॉरी वन हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह भी एक है, जो सॉल्व करेंगे एन बाई टू टू इंटू टू, बेकम दो हो जाएगा, अब एक से ना गुणा होगा प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, एन बाई टू और ये दो में से एक या एक, यानी कि एन प्लस वन, तो कुल मिला के ये आएगा आपका एस एन बराबर आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये आपका आ गया प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा
कुछ नहीं, आपके एग्जाम में ये दोनों सवाल एक एक नंबर के आ सकते हैं, चाहे तो आधा नंबर का या आधा नंबर का, या पूरा का पूरा आएगा तो एक नंबर का आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम हजार धन पूर्णांक या प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल कैसे निकाल जाता है। समांतर श्रेणी का कहीं जिक्र ही नहीं होगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये प्रथम एन धन पूर्णांक हो, ये प्रथम हजार हो, ये प्रथम सौ धन पूर्णांक हो, सारी की सारी क्या होती है, समांतर श्रेणी में आते हैं। लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ श्रेणियाँ ऐसी दी जाती है कि उसमें कुछ वो कंडीशन दे देगा, तो बस आपको वही कंडीशन पकड़नी है और समझ लेना कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, वो पता चल जाएगा अपने सवाल में, ठीक है। तो ये फिलहाल आपने क्या करना है, समांतर श्रेणी और धन पूर्णांकों के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आपने देखना, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, सवाल करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से रिलेटेड कुछ और भी सवाल होंगे वो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही मैं आपसे फिर वही गुजारिश, जैसे हमेशा रोज को बोलता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी बात आगे बढ़ पाए, ठीक है बच्चे। तो चलो आज के लिए इतना ही, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नए साल में आप खिलखिलाते रहिए, और अपने पढ़ाई पर आप काफ़ी फोकस करते रहिए, तभी जब काम बन पाएगा, ठीक है बच्चों। और हाँ एक चीज़ और, अध्ययन चक्र को शामिल करना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। चलो फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ, अगले सैटरडे संडे या मंडे को मैं टॉप 20 में जो क्वेश्चंस आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चाहे ताकि आप लोग उन सवालों को भी क्या कर सको, सॉल्व कर सको, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।